देवी सज्जनो, हाल ही में मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी, तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 ने, 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, थप्पड़ मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो 0 जो था ना, वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी अब, तो वो दुबक के कोने में बैठ गया। 0 को ऐसा कोने में दुबक बैठा हुआ देख करके 1 ने कहा, अरे भैया तू क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं। और ये कहते ही 1 जाकर के 0 के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि 0 था वो हो गया 10, है ना। तब 0 ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो 1 ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। देखो संजो, इंसान अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से। इंसान बड़ा होता